महाराष्ट्र के बदलापुर में घटना के विरोध में उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र बंद का फिर किया ऐलान। उद्धव ठाकरे ने दोपहर 2 बजे तक महाराष्ट्र बंद की अपील की। उन्होंने कहा, अगले सप्ताह त्योहार है और लोगों को तैयारियों के लिए समय की जरूरत है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए सभी लोगों से बंद की अपील करता हूं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ट्रांसपोर्ट सेवाएं, दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, जबकि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि सेवाएं जारी रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बंद को समर्थन नहीं मिला है। ऐसे में संभावना है कि सार्वजनिक परिवहन यानी बेस्ट बस सामान्य रूप से जारी रहेगी। वहीं अस्पताल की बात करें तो 24 अगस्त को अस्पतालों और ओपीडी सेवाएं बंद करने को लेकर भी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि जरूरी सेवाओं में शामिल होने के चलते इनके भी सुचारू रूप से जारी रहने के आसार। वहीं महाराष्ट्र बंद की तैयारियों के अलावा चौथा शनिवार होने के चलते बैंक 24 अगस्त को बंद ही रहेंगे, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार। अब मुंबई में कोलकाता जैसा कांड, चाचा ने 13 साल की भतीजी के साथ की दरिंदगी। मुंबई में इस वीकेंड होगी भारी बारिश, शनिवार रविवार को आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मुंबई अहमदाबाद हाईवे बुलेट ट्रेन परियोजना का कार्य तेजी से, नर्मदा नदी पर बन रहा 1.5 किलोमीटर लंबा पुल। तानसा से मुंबई तक पानी की आपूर्ति करने वाली मुख्य पाइपलाइन पवई में फटी, हजारों लीटर पानी नुकसान। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों और व्यक्तियों से बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में महाराष्ट्र बंद रोकने को कहा। मुंबई के महाराष्ट्र नगर में मेट्रो निर्माण के पास एक अज्ञात महिला का शव बोरी के अंदर से बरामद हुआ, आगे का जांच कर रही पुलिस। कल महाराष्ट्र बंद रहे, उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की कि वे अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए इस बंद को सफल बनाएं। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने थाने जिले के बदलापुर स्थित एक स्कूल में 2 बच्चों के कथित यौन उत्पीड़न की घटना के विरोध में 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। महाराष्ट्र बंद पर अब उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया आई है। शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि कई लोगों को लगने लगा है कि स्कूल में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। कल के बंद में सिर्फ महाविकास आघाड़ी ही नहीं बल्कि सभी नागरिक हिस्सा लेंगे। बंद दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा। कल के बंद के दौरान बस और ट्रेन सेवाएं भी बंद होनी चाहिए। आप किसी भी धर्म या जाति के हों, लेकिन अपनी बेटियों और बहनों की सुरक्षा के लिए इस बंद को सफल बनाएं। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय बेटी टीवार ने बताया कि महाविकास आघाड़ी के घटक दल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे यूबीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार चंद्र ने यह एक बैठक में निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी के सभी सहयोगी दल 24 अगस्त को बंद में भाग लेंगे। उन्होंने कहा, हमने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे और भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के सभी मोर्चों पर विफल रहने पर चर्चा की। इस बीच कांग्रेस की मुंबई इकाई की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने बदलापुर की घटना को लेकर राज्य सचिवालय मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन को नेतृत्व किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान बेडीटीवार और कुछ अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। मंत्रालय के द्वार के बाहर तख्तियां थामे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के लिए सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने परिसर में घुसने से रोक दिया। गायकवाड़ और बेडीटीवार ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के लिए राज्य सरकार पर निशाना साधा। कारण हा शेवटी सामाजिक प्रश्न आहे आणि या बंद मध्ये आजपर्यंत जसे बंद झालेले आहेत तसंच उद्याचा जो बंद आहे कडकडीत बंद असायला पाहिजे। मात्र त्या बंद मध्ये अत्यावश्यक सेवा ज्या आहेत, जसं रुग्णवाहिका सेवा आहेत, वृत्तपत्र आहेत, फायर ब्रिगेड आहेत आणि ज्या ज्या काही अत्यावश्यक सेवा आहेत त्या चालू राहतील। एकूण जर का आपण पाहिलं तर सणासुदीचे दिवस आहेत, गणपती बाप्पा येत आहेत, दहीहंडीची प्रॅक्टिस सुरू आहे आणि हा सगळा विचार केल्यानंतर उद्याचा बंद हा दुपारी 2 वाजेपर्यंत सगळ्यांनी पाळावा अशी माझी विनंती आहे।